Namaste, hello everyone. I am Vaishali Gokhale and I welcome you all to the Sarbakal TV YouTube channel. As you all already might know, that Sarbakal Music Society of Calgary has been working very hard and devotedly towards promoting the tradition of Indian classical music. I take this opportunity to deeply express my gratitude towards Shri Harjit Singh ji who is the founder of the society and all his team and volunteers I have gotten this opportunity today to welcome our distinguished guest Pandit Shri Vivek ji Sonar Pandit Shri Vivek Sonar ji is a renowned flautist from India He is one of the finest and senior most disciple of Padma Vibhushan Pandit Shri Hariprasad Chaurasia ji आई वेलकम पंडित विवेक सोनार जी टू कैलगरी एंड टू सर बकाल म्यूजिक सोसाइटी टुडे थैंक यू वैशाली जी ये बहुत खुशी की बात है पंडित जी कि आज हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिला है तो बिफोर वी स्टार्ट आ, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि क्यों ना आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ मधुर बासरों के सुर हमें सुना दें जी ज़रूर वैशाली जी यहाँ आया हूँ तो आप सबको संगीत सुनाने के लिए आया हूँ तो आप सब दर्शकों के लिए मैं एक थोड़ी देर राग चंद्रकंस की कुछ अलाप वगैरह सुनाना चाहूँगा पंडित जी बहुत ये तो हम धन्य महसूस कर रहे हैं एंड इट इज़ रियली अ ट्रीट फॉर ऑल ऑफ अस एंड आवर ऑडियंस इक्वली तो पंडित जी um, अब बातचीत शुरू करते हैं इट दे से दैट म्यूजिक स्टार्ट्स एंड्स तो यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट स्पीचलेस विथ विथ योर फ्यू मिनट्स ऑफ परफॉर्मेंस बट रियली धन्यवाद आपका इस uh, ट्रीट के लिए एक्चुअली so, हम जानना चाहेंगे कि आपके बचपन कैसा रहा और आपका जो फ्लूट के प्रति म्यूज़िक के प्रति जो प्यार है वो कैसे शुरुआत हुई आप फ्लूट सबसे पहले किन से सीखे तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए जी बचपन में जैसे हमारे परिवार में मेरे जो पिताजी मेरे चाचा जी दादा जी वो वारकरी संप्रदाय वो वा एक वारकरी पिलग्रिम जो है महाराष्ट्र में तो उस वारकरी संप्रदाय को बिलोंग करते थे तो हमारे घर में भजन कीर्तन बहुत होता था हमारे पिताजी बहुत अच्छा भजन कीर्तन गाया करते थे हमारे चाचा जी हमारे घर में वो वातावरण था और कोई बड़े बड़े कीर्तनकार आते थे तो हमारे घर में रुकते थे तो वो एक संगीत का भक्ति संगीत का वातावरण हमारे घर में था शास्त्रीय संगीत का नहीं था मेरे घर में शास्त्रीय नहीं था लेकिन ये भक्ति संगीत का आधार था तो संगीत बोल सकते हैं इट्स इन माय म्यूजिक था आपके फैमिली में ब्लड थोड़ा सा तो है, है। यस लेकिन बांसुरी के बारे में आई एम द फर्स्ट वन कि जिसने शुरू किया कैसे वो बचपन में मुझे बांसुरी मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड uh, में अच्छा। पढ़ रहा था तो समय में एक बांसुरी मुझे uh, ली थी मैंने तो वो थोड़ा मैं आ, ऐसे आवाज तो निकालता था बाद में वो पता नहीं कहाँ चली गई अच्छा। फिर और दो तीन साल बाद हमारे घर में सब जो पूरा सामान जो निकालना था उस समय वो बांसुरी भी वहां गई वो रस्ट लग गया था उसको तो मैंने मैंने बोला नहीं इसको हम नहीं डालेंगे अच्छा आपने वो चुन, के... तो मैंने चुन के साइड में फिर उसको साफ किया और फिर मैं बोला इतनी अच्छी साफ की है तो बजाते आना चाहिए बजाना तो आता नहीं था ऐसे पैं कुछ तो आवाज निकालता होता मैं और उस दरमियान हमारा जो एक नेबर था उसका नाम था शाम तो वो गाना बजाया तो आई वॉज सो है कि मेरे बासुरी में गाना भी बजता है तो मैं बोला दे भाई मैं बजा के देखता हूं, मुझे नहीं आया दूसरी बार फिर मैंने उसको बोला कि फिर से बजा के देख अच्छा तो उसने बजाया फिर से वही गाना मैंने ट्राई किया मुझे नहीं आया तो उस वक्त मैं गुस्सा हो गया और मुझे नहीं आ रही है। और उस के कारण मैं रोज बजाने लगा और एक हफ्ते के अंदर मैं एक दूसरा गाना भक्ति संगीत का ही मैं गाना अपने आप बांसुरी बजाना सीख गया वहां पे अरे तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था ट्रिगर पॉइंट था और फिर वहां से फिर मैं सब फिल्मी गाने सब अपने आप बजाने शुरू किया फिर उसके बाद चालीस गांव में ही मेरा गांव महाराष्ट्र में एक जलगांव डिस्ट्रिक्ट में चालीस गांव करके एक छोटा सा गांव है तो वहां पे ही मुझे मेरे पहले गुरुजी मिले पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर जी अच्छा। जो पंडित विजय राव राघव राव विजय राघव राव जी के शागिर थे अच्छा। तो उनके पास गए और फिर उनके पास सात साल सीखा अच्छा और सात साल होने के बाद फिर उन्होंने बोला अभी तुझे यदि बांसुरी करनी है तो मेरे पास जितना था मैंने तुझे दे दिया जो अभी आगे यदि करना है तो तू पंडित हरिप्रसाद चौरसा जी के पास चला अच्छा, जाता तो ये बहुत तो, सराहने वाली बात है कि आपने बहुत कम समय में उनसे जो भी सीखना था सब सीख लिया तो जैसे एक पॉइंट आया जहाँ पे आपको और भी बड़े गुरु जी की जरूरत थी जी बड़े गुरु जी मतलब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये तो सारे बांसुरी वादक के दुनिया के सारे कलाकारों के वो गुरु ही है और उनके बारे में बोला जाता है ही इज द गॉड ऑफ फ्लूट और वो बात सही है वो तो सही है तो मैं ये कहना चाहूंगी दर्शकों से कि चालीस गांव जैसे छोटे से शहर में महाराष्ट्र में जो छोटा सा शहर है वहाँ सुविधाएं कम थी वहाँ मौके कम थे अवसर कम थे जी क्या? नहीं थे बिल्कुल भी नहीं थे जैसे बिल्कुल <laughs> ही नहीं थे फिर भी आपने जो आपकी चाह है म्यूजिक के प्रति वो कायम रखी एंड इट इज एज गुड एज यू पेव्ड योर ओन पाथ टुवर्ड्स सक्सेस तो ये बहुत ही कमेंडेबल बात है और काफी प्रेरणादायी है हम हम सब के लिए जी बस तो, मैं तो ये सारे हमारे माता पिता और गुरु के ही आशीर्वाद है उनका मार्गदर्शन रहा इसलिए वो सही जगह पे हम Channelize जा रहे हैं चैनलाइज कर पाए खुद को और मौके नहीं मिले तो क्या बात है हम लोग मौके तैयार करेंगे <laughs> बिल्कुल ये जो एटीट्यूड है ना ये ये बिल्कुल आ, सही है ये आपको प्रोग्रेस करवाता है ये आपको सक्सेस दिलाता है तो ये जो एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपने कही है अभी तो आपके माता पिता के बारे में कुछ संक्षेप में बताइए जी मैं तो मेरे माता पिता को बहुत मिस करता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी हमें छोड़ के सत्रह साल पहले हमें छोड़ के चले गए oh, उसके बाद really उसके बाद मेरी माताजी को जाके अभी स्वर्गवास के छः साल हो गए पूरे oh, okay. लेकिन आज जो भी है जो भी मैं बाँसुरी में छोटा मोटा कुछ भी बजा रहा हूँ तो उसमें क्रेडिट गोज टू माय मॉम माय फादर उन्होंने उस समय में मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया मैं तो ऐसा ही छोटा कुछ बजा रहा था गाने तो मम्मी बोलती थी हाँ नहीं बहुत अच्छा है तू कर और अच्छा कर पिताजी हाँ, हमारे गांव में बांसुरी तो जा मतलब वो सब जगह पे और इतना ही नहीं जब मैं नाइनटीन में गुरु के पास पहली बार गया उनको जब बांसुरी सुनाई उन्होंने बोला हाँ आ जाओ सीखने के लिए ये सब हो गया तो उसके बाद जब घर आया मैंने माता पिता को बोला कि मैं पंडित हरिप्रसाद चौरसा जी के पास जाके आया और उन्होंने बोला है कि तुम मेरे पास सीख सकते हो तो उस जमाने में ऐसा हुआ करता था कि हमारे गांव में छोटा सा गांव है तो म्यूजिक में भाई म्यूजिक में करियर बनाना वगैरह ये, ये तो कोई साधारण बात नहीं थी ये मतलब बोलते थे की ऐसा कुछ होता नहीं है और इसमें कोई कर नहीं पाता ऐसे जनरल लोग थे लेकिन मेरे घर में मेरे माता पिता जी बहुत खुश हुए उनका सपोर्ट और ना उन्होंने ना। बोला नहीं तू कर भाई जितना हम कर सकते हैं हमारे पास जितना भी हम कोशिश करेंगे जितना कर सकते हैं लेकिन तुम तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो करो और उस समय में उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया इसी के कारण मैं मुंबई आ, आ, आ गया उसी के कारण मैं आगे जो भी बांसुरी मैं जो भी काम कर रहा हूं, वो कर रहा वो पाया। तो ये बहुत ही आई थिंक स्ट्रगल्स रहे हैं आपके जर्नी में और uh, मेरे ख्याल से जब आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ सीखने लगे होंगे तब तो आपके uh, और भी स्ट्रगल्स रहे होंगे क्योंकि आप छोटे शहर से थे आपको मुंबई मूव करना जी, था जी, जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए और आप कैसे सीखे क्या सीखने की पद्धति थी वो भी हमें विस्तार से बताइए जी मैं तो गांव जो मुंबई से साढ़े तीन सौ किलोमीटर के अंतर पर एक छोटा सा टाउन है वहाँ पे रहता था और मुंबई में तो कोई घर या ऐसा कुछ था नहीं हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि भाई मैं मुंबई में जाके वहाँ पे कोई एक अपार्टमेंट ले लूँ वहाँ पर रहूँ और सब करूँ तो वो जस्ट सोच भी नहीं सकते थे उस बारे में तो आ, मैं ट्रेवल करता था जो ट्रेन से सात घंटा लगता था अच्छा सेवन आवर्स सेवन आवर्स वन साइड तो रात को बारह बजे निकलता था सात बजे वहाँ मुंबई पहुंच जाता था वही किसी स्टेशन के वेटिंग रूम में नहा लिया ये कर लिया बाद में गुरुजी के पास जाता था पूरा वहाँ पे क्लास वगैरह होती थी वहां से खत्म होके फिर निकलता था फिर सात घंटा वापस और वापिस आके फिर नेक्स्ट डे रात को फिर से निकलना जाता तो ये सिलसिला बहुत जारी रहा और बाकी आ, ये जो स्ट्रगल है तो उसमें मैं कुछ ऐसी बड़ी बात मानता नहीं हूं क्योंकि स्ट्रगल आपको वैल्यूज बताता है जीवन में एक रोटी की वैल्यू कितनी है जीवन में ये बताता है कि आ, संगीत सच में करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए तो वो एक गहना ही, ही मैं मानता हूँ हाँ। वो तो गहना है और मैंने उस समय में भी बहुत एंजॉय किया को struggle enjoy किया और आज भी enjoy कर रहा हूं। ये आपके डेडिकेशन है ये आपका hard work है जो आप यहां तक तो आ, आपका जो है ना फैमिली तो sure में इनहेरेंट म्यूजिक है इट रन इन योर ब्लड तो आई एम श्योर कि ऑल योर फैमिली मस्ट बी वेरी प्राउड कि आपने इतनी ऊँचाई हासिल की है तो क्योंकि जैसे कॉमन मैन की एक फैमिली है जो कोई सोच भी नहीं सकता कि हम पंडित जी से सीखे और कुछ आगे कर कर पाए तो ये दिया मैंने म्यूजिक में, में करियर बनाना इसलिए मैं गुरुजी के पास आने का डिसाइड किया और आई स्टार्टेड लर्निंग विद गुरु जी पंडित जी चौरसिया तो मेरे कुछ रिलेटिव्स, कुछ दोस्त लोग बोलते थे कि भाई ग्रेजुएट हो गया और नौकरी नौकरी तो कुछ काम शाम कर ले, भाई, कुछ बिजनेस कर ले या भाई करते थे और बोलते थे कि क्या करता है तो बासुरी सीख रहा है और बासुरी बचा के क्या करेगा डिस्करेजमेंट तो ये हो होता था लेकिन आज मुझे अच्छा लगता है और भी कुछ लोग जो ऐसे बोला करते थे आज उनको उनके जो विचार है वो चेंज हो गए उनका नजरिया चेंज हो गया, हो गया।, चेंज हो गया। तो, ये... तो मैं उनको भी गलत भी नहीं बोलता उनको पता ही नहीं था कि भाई म्यूजिक में भी ऐसा होता है ये छोटा सा गांव हमारा म्यूजिक के बारे में तो आज अवेयरनेस बढ़ा है आज देखिए सर्वकाल की वजह से पूरे आ, यहाँ पे कनाडा में और पूरे दुनिया में इतनी एक्टिविटीज है तो ये आज का जमाना है उस जमाने में बोल रहा हूँ नाइनटीन नाइनटी सेवन वहाँ पे महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव वहाँ पे म्यूजिक का कुछ है नहीं म्यूजिक में करियर बनाना उसमें आगे ऐसे कुछ करना ज्यादा लोगों को पता नहीं था तो मैं उसे गलत भी नहीं मानता हूँ उनका, उनका अपने उनके ज़गा ज़गा उनका नजरिया था लेकिन आप उनका नजरिया कुछ भी इन्फ्लुएंस ना होते हुए आपने दृढ़ जो निश्चय किया था उस उसपे आप कायम रहे तो ये बहुत ही म्यूजिक में जब तक कायम नहीं है तो कुछ नहीं कुछ नहीं है ये संगीत की साधना है मैं गुरु जी के पास अभी पंडित जी के पास पच्चीस साल हो, अभी मैं सीख रहा विद्यार्थी हूँ अभी भी हमारा सीखना शुरू है रेगुलर सब बातें होती तो ये इसे हम साधना संगीत को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें दृढ़ता चाहिए उसमें समर्पण चाहिए जब तक समर्पण नहीं, नहीं।, नहीं है सरेंडरनेस नहीं है आप बात नहीं कर सकते हो सही बात है क्योंकि ये तो ऐसा नहीं कि भाई कुछ छोटा मोटा कुछ कर लिया और आपने बाकी का कुछ शुरू वो म्यूजिक में नहीं होता है जी तो आप सिर्फ एक फ्लॉटिस्ट ही नहीं हैं बट बल्कि आप खुद कंपोज़र भी हैं तो ये मुझे ये क्या प्रेरणा है किस चीज़ से आप प्रेरित हो के म्यूज़िक कंपोज़ करते हो कोई माहौल है कोई ऋतु है कोई व्यक्ति है तो ये बड़ी उत्सुकता वाली बात है कि आप म्यूज़िक कंपोज कर लेते, तो बिकॉज इट्स अ गॉड्स गिफ्ट ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि कोई म्यूज़िक कंपोज़ कर ले जी कंपोज करना और आपका करना... जो सॉन्ग ऑफ लव जो बहुत पॉपुलर कंपोजिशन <laughs> है उसके बारे में तो जरूर जिक्र होना चाहिए तो जी कंपोजिशंस के बारे में ये तो आपने सही बोला कि ऐसे डिसाइड करके आप कुछ म्यूजिक कंपोज नहीं कर सकते हो लेकिन मेरे सामने तो प्रेरणा है मेरे गुरुजी पंडित थेरे प्रसाद जी चौरसिया जी शिवकुमार शर्मा जी और मैं जिनको और बहुत मानता हूं जुबिन मेहता जी तो इन सब लोगों को सुन सुन के देख देख के मैं यहां तक आया हूं मतलब बचपन बच्च, से इन्हीं लोगों का संगीत खाया पिया ऐसे आप बोल सकते हो तो वही लोग मेरे साथ मेरे प्रेरणा है और सॉन्ग ऑफ लव की जो आपने जिक्र हाँ। किया तो आ, ये तो बहुत आ, लोगों को पसंद आती है वो मेरी कॉम्पोजिशन और बहुत बार ऐसा बहुत भी होता है कि पॉपुलर है।, है।, है बहुत सारे लोग क्लासिकल प्रोग्राम जो होता है उसमें तो मैं वो बजाता नहीं हूँ लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग प्रोग्राम के बाद मैं पूछता हूँ कि आप कुछ सुनना चाहेंगे तो लोग बोलते हैं सॉन्ग ऑफ लो मैं बोलता तो हूँ भाई उसके लिए मुझे पूरा ऑर्केस्ट्रा चाहिए तभी मैं वो बजाऊंगा तो लोगों का वो प्यार है अच्छा लगता है कि हम कुछ कंपोज कर रहे हैं और लोगों को पसंद भी आता है जैसे कि सॉन्ग ऑफ लव का जो आपने सुना है आपने जिक्र भी किया था इंटरव्यू से पहले कि आपको वो बहुत पसंद आया भी था बिल्कुल हम हम जरूर सुनते हैं उस धुन को और वही वही जो इनक्विजिटिवनेस इन, था कि आप कैसे वो कर लेते हैं <laughs> तो वो, क्योंकि जो इतना है। है, यू कैन एक्चुअली मेडिटेट ओवर तो इट तो ये बात है <laughs> जी जी आपने जैसे आपके गुरुओं को जहम में रखा है जी। आपकी प्रेरणा है तो गुरु जी के हस्ते कुछ आपको अवार्ड मिले हैं यह भी मैंने सुना है तो आप, आप, आप आपके आर फेदर्स इन योर कैप सो आप कि, कु, किसी कुछ यादगार लम्हे हैं अवार्ड्स फंक्शंस के या कुछ तो आप शेयर कीजिए <coughs> प्लीज जी वैसे तो बहुत सारे आ, सब सारे अवार्ड्स ये इम्पॉर्टेंट ही होते हैं बहुत मायने रखते हैं हम कलाकारों के लिए और उसमें कोई न कम ना कोई ज़्यादा होता है लेकिन आपने जैसे बोला यादगार लम्हे ज़रूर है मैं दो चीज़ें ज़रूर बोलना चाहूँगा जैसे मुझे टाइटल मिला था 2014 2014 में रमणीय वेणु गान मणि ये मुझे टाइटल मिला था और वो टाइटल मिला था मुझे विद्वान पद्मश्री डॉक्टर एन रमणी जी के हाथों से तो जो कार्नेटिक फ्लूट के वो लीजेंड थे तो उनके हाथों से वो टाइटल मिलना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे पंडित राम मराठे अवार्ड जो है जो मुझे दिया गया वो मेरे गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरसा जी के हाथों से उससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता खुद गुरु के हाथ से एक पुरस्कार एक बड़े हस्ती के नाम से दिया जाने वाला एक आ, बहुत प्रेस्टिजियस पुरस्कार है अवार्ड है जो उनके हाथ से मिलता है सो वो तो जरूर बोलते हैं म्यूजिक इज योर डिवाइन कनेक्शन टू गॉड तो मेरे ख्याल से आपका कनेक्शन जो है वो गुरुजी के साथ है जो डिवाइन है ऑलरेडी जिनको ऑलरेडी जैसे कृष्ण भगवान उतर आए हैं फ्लूट लेके ले तो आ, हरी नाम है उनका तो, जी वो भगवान श्री कृष्ण जो हम जानते हैं मुरली वाले बिल्कुल। तो बांसुरी यानी भगवान श्री कृष्ण लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वो तो गोपियों ने और गोपाल उन्होंने ही सुनी है तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाद यदि किसी की बंसी है बांसुरी है तो पंडित हरिप्रसाद जी की जी। तो मराठी मे जसे की कृष्णानंतर हरीच बरोबर <laughs> पंडित हरिप्रसाद चौरस्या ऐसे मिठा में है आणि तुम्ही हरिन कडून शिकलात साक्षात हरिण कडून शिकलात ह्याच्यावरून अजून काही जास्त हे माझ्यासाठी सगळ्यात मोठ भाग्य आहे भाग्य आहे उनसे उनसे मिलना सीखना और उनके साथ स्टेज शेयर करना इससे बड़ा कोई सौभाग्य की बात मैं नहीं मानता हूँ तो इस इससे और एक सवाल कि आपने पंडित जी के साथ आपके गुरु जी के साथ आई थिंक हजारों स्टेज परफॉर्मेंसेस में साथ दिया है तो वो एक क्या अनुभव है कि उनके साथ बैठ के बजाना एक होता एक होता होता है है सीखना लेकिन परफॉर्म करना तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे जी ये आपने बड़ी आ, अच्छी बात की है गुरु के साथ उनका सानिध्य मिलना उनके साथ रहना ये तो सबसे बड़ी बात है उससे भी बड़ी बात जब गुरु आपको स्टेज पर रंगमंच पर आपको साथ में बिठाए उसमें जो सीखने वाली बात होती बहुत कुछ होता है क्योंकि उससे बड़ा ऑनर कुछ होता नहीं है गुरु ने खुद आपको बोला है कि आप संगत में बांसुरी बजाओगे बस सबसे बड़ा वहाँ पे खुशी का मौका होता है और मैंने जैसे आपने ज़िक्र किया मैंने कम से कम हज़ार या उससे ज़्यादा प्रोग्राम ज़रूर मैं उनके संगत बाँसुरी ये पच्चीस सालों में और वो इट्स अट्स लर्निंग हर एक प्रोग्राम में हम नया सीखते भोपाली यमन यमन ने बहुत मैं बचपन से सीख रहा हूँ अभी भी नहीं? सीख नहीं? रहा हूँ और गुरु जी भी सिखाते हैं और वही राग जब हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो गुरुजी जो बजाते हैं उससे समझ में आता है कि क्या सुरों की ट्रीटमेंट होनी चाहिए कैसा होना चाहिए जो स्टेज पे जो हम सीखते हैं वो शायद क्लास में उस प्रकार का नहीं होता है क्लास में ऑथेंटिक जो भी है सब सब कुछ आपको सब दिया जाता है और सारा क्रीम जो है वो स्टेज पे आता है तो वो क्रीम जो है वो मुझे मिला वो, या आज भी मिल रहा है ऐसे मैं बोलूंगा तो बड़ी सौभाग्य की बात होती है जी अभी हमने संगत की गुरुजी के साथ संगत की आपकी बात की तो कुछ परफॉर्मेंसेस है जहां पर मैंने आपका रात बागेश्री सुना है जी तो वो वन ऑफ माय फेवरेट्स तो मैं मेरा भी वो फेवरेट राग है बिल्कुल तो मैं दरख्वास्त कर, करना चाहूंगी कि मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ छोटी धुन सुना दीजिए बागेश्वरी रात में जी जरूर बागेश्वरी मेरा भी एक फेवरेट राग है तो अभी तो मुझे पहले ये पता होता तो मेरे संगतकार तबला वादक उनको भी बुला लेता था तो हम और भी अच्छा मजे करते थे हो जाती थी लेकिन कोई बात नहीं हम आपको थोड़ा सा कुछ बागेश्वरी में कुछ सुना हैं धन्यवाद धन्यवाद वाह पंडित जी वाह मैं मराठी में कहना चाहूंगी कि मंत्र मुग्ध झालो हमें <laughs> मतलब बहुत धन्य महसूस कर रही हूं मैं कि आपको इस डिस्टेंस से मैं सुन रही हूं ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और हमारे दर्शकों के लिए भी कि वो ऐसे आपसे हमने दरख्वास्त की और आपने मान लिया हाँ, तो आपने हमारे एक प्यारे रात का नाम लिया हाँ। और फिर और यहाँ छेड़ दिया हमने आपको मैं छेड़ दिया वो बाकी श्री के स्वरों को हमारे मन में तो मैंने आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा सुना दिया तो धन्यवाद जी पंडित जी से अभी हमने राग सुने कुछ म्यूजिक पीसेस सुने अभी मैं बताना चाहूंगी आपसे इट्स आई फील वेरी प्राउड टू टेल यू दैट पंडित जी हैज़ Been a pioneer of many things. Like he is the founder of the Gurukul Pratishthan in Thane Maharashtra. He has uh, he's the first one to start a festival dedicated completely to the flute, flute which is known as the Bounsari Utsav. Then he's also started the My Gurukul app. He's also the first one to start the flute symphony. So uh Pandiji, um, हम बहुत ही लाइक ओवरवेलमिंग इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस टू नो दैट यू हैव सच क्रिएटिव आइडियाज टू कम अप विद सच ग्रेट आइडियाज़ यू नो दैट विल केटर टू म्यूजिक दैट विल केटर टू फ्लूट एंड जो लोग uh, uh, सिर्फ सुनते हैं राइट तो उन्हें भी ये प्रोत्साहन मिलता है कि क्यों ना हम सीख लें क्यों ना हम uh, पंडित जी को अप्रोच करें और आपने ये जो फ्लूट uh, के बारे में जो इतना प्रचार और प्रस्ताव करके रखा है uh, तो ये बहुत ही uh, वर्दी है जी तो, ये तो मैं तो मेरा बस काम कर रहा हूँ हमारे गुरुजी पंडित हरिप्रसाद चौरेसर जी ने बांसुरी को पूरे वर्ल्ड में फैलाया है सो तो मैं बस वो जो लेगेसी है वो जो गुरुकुल परंपरा गुरु शिष्य परंपरा जो जहाँ से मैं सीख रहा हूँ अभी भी मैं तो अभी विद्यार्थी ही हूँ बस एक दो सुर ठीक से लग जाए यही मैं कोशिश होती है तो मैं वही सोचता हूँ कि चलो मैं जो कर रहा हूँ मैं इसमें आनंद ले रहा हूँ संगीत में साधना करके आनंद ले रहा हूँ तो और भी लोगों ने आ, अच्छी तरह से आनंद लेना चाहिए इसके लिए बस इसीलिए तो गुरुकुल प्रतिष्ठान की स्थापना की तो गुरुकुल प्रतिष्ठान के बारे में कुछ बताइए जैसे आ, हमने सुना है कि वो आप जो गुरुकुल परंपरा है उसको आपने जारी रखा है तो जी वो तो रखना ही रखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं खुद गुरुकुल गुरु परंपरा को मानता हूँ गुरु शिष्य परंपरा को मानता हूँ उसी में मैंने बचपन से सीखा सात साल पंडित पुरुषोत्तम जी के पास और पच्चीस साल के अभी गुरु जी के पास उनके मैं साथ अभी भी सीख रहा हूँ तो जो भी मैंने उनसे सीखा है वो लोगों तक पहुंचाने का कर्तव्य है मेरा ऐसे मैं मानता हूँ जो सीखना चाहते हैं वो आते हैं तो गुरुकुल प्रतिष्ठान जहाँ पे निवासी गुरुकुल रेसिडेंशियल गुरुकुल भी है वहाँ पे लोग आते हैं रहते हैं सीखते हैं है, जी आप जी खुद जी उनको गाइडेंस करते हैं सिखाते हैं हम तो लोग साथ ये में, ये में तो... ही रहते हैं जैसे गुरु परंपरा थी जमाने में तो उस तरीके से सब साथ में रहते हैं और सीखते हैं प्रैक्टिस करते हैं और एकेडमी भी है जहाँ पे बहुत सारे लोग सीखते वो एक अलग बात है मैंने सुना है कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों से लेकर तक सब लोगों के लिए ये ओपन है उपन। और बहुत से यंग और एडल्ट लर्नर्स आपसे ऑलरेडी सीख रहे हैं सीख चुके हैं तो जी मैं इस बारे में बताना चाहूंगा मुझे बहुत खुशी होती कि मेरा जो सबसे छोटा शिष्य है उसकी उम्र छ साल है और सबसे सीनियर मोस्ट जो शिष्य है वो महिला है उनकी उम्र अभी नाइन्टी फाइव है सो wow. so, संगीत जो है सीखने के लिए आपको सिर्फ इच्छा चाहिए कोई एज बार नहीं का कोई है. बार नहीं है यू कैन स्टार्ट एनी टाइम यस यस इट इज अ वेरी गुड गुड थिंग दैट पंडित जी हैज सेड दैट वी कैन लर्न एनी टाइम एनी टाइम वी फील वेरी मोटिवेटेड और एनकरेज एंड वी हैव दैट लाइकिंग और इंक्लिनेशन वी कैन ऑलवेज अप्रोच पंडित जी एंड गेट स्टार्टेड फ्लूट सो फ्लू सिंफनी जो है तो वो तो एक जो माहौल तैयार वो वो तो... करना होगा क्योंकि वो जो है uh, सब सौ से ज्यादा फ्लूट एक साथ स्टेज पर बज रही है फ्लूट सिंफनी मतलब सिंफनी <coughs> वर्ड तो ये वेस्टर्न uh, uh, कल्चर में सिम्फनी है इंडियन क्लासिकल में वो हार्मनी वो प्रकार नहीं होता है नहीं। तो मेरी कुछ कंपोजिशंस है उसे मैंने इंडियन क्लासिकल ही कंपोजिशंस है लेकिन उसे मैंने कुछ और उसके ऊपर कुछ काम किया है और उ, उ, वो हमारा सिम्फनी शुरुआत की मैंने 2007 में अच्छा। में और हम बहुत जगह पर सिम्फनी हमने परफॉर्म भी की है बहुत सारे आ, फेस्टिवल्स में और जी काफी न्यूज आर्टिकल्स पढ़े हैं उत्सव के बारे में तो जब होता है इज अ वेरी वेरी गुड कवरेज उसके बारे में तो, लोगों को भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं मैंने जब शुरू किया था बांसुरी उत्सव पंद्रह साल हो गए शुरू किया तो बांसुरी के लिए डेडिकेटेड एक फेस्टिवल होना चाहिए ऐसे मुझे लगता था क्योंकि हम कहीं पे जाते हैं तो फेस्टिवल में गायन है ये है ये है सारा है और उसमें एकाध बांसुरी है या तो नहीं भी है तो मुझे ऐसे लगता था कि भाई क्यों ना बांसुरी के लिए कुछ सेपरेट ऐसा फेस्टिवल जिसमें बांसुरी सेंटर हो बांसुरी के जो जो प्रकार है सोलो बांसुरी जुगलबंदी बांसुरी डांस में जो बांसुरी है लाइट म्यूजिक में बांसुरी सिंफनी वाली बांसुरी तो जो जो बांसुरी के प्रकार है सारे लोगों को हम उस फेस्टिवल में दिखाए ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक साथ हमें इतना जो माहौल क्रिएट होता है और एक साथ सब जो वराइटीज है जी वो हमें सुनने को मिले जी। तो अब हमारी शुभकामनाएं कि ये ऐसे ही चलते हैं फेस्टिवल्स <coughs> uh, आपने जो शुरू किए हैं और एंड uh, में ये uh, मतलब जो मैंने बताया कि आप जो पायोनियर्स हैं फॉर सो मेनी थिंग्स एंड वन ऑफ इट इज वेरी इम्पोर्टेंट इज द माई गुरुकुल ऐप आई थिंक यू हैव ब्लेंडेड टेक्नोलॉजी एंड म्यूजिक सो वेल दैट इट इज नाउ रीचेबल टू ईच एंड एवरी वन इन

हाँ पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन फेस्टिवल ऑनलाइन लर्निंग ऑनलाइन होते थे लेकिन आपने जो गुरुकुल ऐप शुरू किया वो तो 2017. थाउजेंड से पेंडेमिक से पहले 2017 में तो आपका कुछ विजन रहा होगा जी जी मैं ज़रूर आपने पूछा मुझे अच्छा लगा ये सवाल उसके ऊपर बात ऐसी है कि हमारे जो गुरु है, है पंडित हरिप्रसाद प्रसाद चौरसिया रविशंकर जी उस्ताद अली अकबर खान साहब जी अब सारे लोगों ने संगीत को पूरे वर्ल्ड में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को लेके गए और लोगों को बताया ये हमारा संगीत है पूरे वर्ल्ड में लोग अभी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग अभी सीखना भी चाहते हैं अभी ट कि चलो मैं 14 hours का ट्रैवल करके मैं at least मैं मिल तो सकता था पंडित हरिप्रसाद चौरसा जी के पास जाके सीख सकता था क्या अभी अभी भी सीख रहा हूं। लेकिन अभी आप कैलगरी में बैठी हो आपको जाना सीखना है तो आप कैसे करेंगे साल में एक बार दो बार जाएंगे या दो साल में, या एक, दो बार साल में एक बार <laughs> <बिल्कुल है। laughs> तो आप कैसे सीखेंगी ऐसे मुझे बहुत बार लगता ही था और बहुत सारे लोग वेबसाइट थ्रू सोशल मीडिया थ्रू मैसेज भी करते कि हमें सीखना है और लोगों को ऑथेंटिक कुछ सीखना होता है तो मैं तो थोड़ा उस सिलसिले में ज़्यादा कुछ करता नहीं था ऑनलाइन वगैरह उस जमाने में तो मैंने बोला कि कुछ करते तो मेरे डिजैम्पल है हर्ष वो उस, उसी दौरान मुझे पूछा कि सर क्यों ना हम ऐसे कुछ करें सो स्टार्टेड दिस वेरी गुड और ऑल yes. जो है, मेरे बड़े गर्व की बात है कि सारे चौरसिया उनका अप्रूवल मेरे लिए हिमसेल्फ यूनिवर्सिटी सो उनका अप्रूवल मतलब मेरे लिए सब कुछ है सो इट वाज स्टार्टेड विद इंडियन क्लासिकल हिंदुस्तानी फ्यू मोर फैकल्टीज लाइक

जो भी आपने सीखा वो अपने तक सीमित नहीं रखा राइट तो वो जो एटीट्यूड है जी, कि जी, वो सब में कैसे बांटा जाए वो सबको कैसे रीचेबल किया जाए तो और ये, ये टेक्नोलॉजी जो, जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी चाहिए जो मैं पहले हाँ, से ही आई एम टेक सावी यू कैन से सो मेरे गैजेट से लेके कंप्यूटर से लेके सब जो भी है सो मैं अपडेटेड ओके या बहुत सारे सॉफ्टवेयर को भी मुझे पसंद है कि चलो अच्छा, ये देख भी, ले ऑपरेट करना आना चाहिए पहले से ही है तो माइग्रोकुल में भी वही है कि में भी मैंने वही सोचा कि जो हमारी एटलीस्ट जो फ्लूट आई स्टार्टेड विथ हिंदुस्तानी फ्लूट सो so, जो गुरु जी का जो ज्ञान जो उन्होंने हमें दिया हुआ है जो गुरु जी की स्टाइल पंडित हरिप्रसाद चौरसा स्टाइल ऑफ प्लेइंग फ्लूट तो उस चीज में गुरु जी की जो बहुत सारी कंपोजिशंस है बहुत सारी जो स्टाइल है बहुत सारे अलंकार है बहुत सारे टेक्निक्स है मीन गमक स्ट्रोक के जो अलग है सबसे तो उसका बारीकी से अभ्यास करके उसका डॉक्यूमेंटेशन मैंने बहुत सालों से करके रखा था बहुत और देन आई शोड इट टू गुरुजी, देन गुरुजी को बोला गुरुजी, दिस इज द थिंग आई हैव एंड आई वांट टू डू कि ऐप में ये सब मैं कम्पोजिशन डालू तो आपका परमिशन चाहिए उसे अरे बहुत अच्छा है हमारे जमाने में ये नहीं था ये नहीं था तो अभी अच्छा है लोगों तक पहुंच जाएगा आप ये इनिशिएटिव ले रहे हो तो ये हमारे लिए इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि ऐसा कोई इंसान है जो सोच रहा है कि सबके बारे में सबको ये सब ज्ञान मिले और ये सीखने मिले आपको सॉरी आपको इंटरप्ट कर हाँ, आप बताना चाहूंगा की माई गुरुकुल ऐप के जो Users है वो सिक्सटी फाइव प्लस कंट्रीज है जो वहां से लोग माइक्रोकोल से nice. मदद ले रहे हैं सीख रहे हैं nice. और उसमें कोर्सेस भी है कुछ लोग डिप्लोमा कोर्सेस हजारों लोग को अलग अलग बिगिनर इंटरमीडिएट एडवांस और डिप्लोमा से कोर्सेस अलग अलग लेवल के लोग कोर्सेस कर रहे हैं और उसमें सर्टिफिकेशन भी है और बहुत सारे लोग हैं उसमें कुछ फ्री कंटेंट भी हैं वो यूज़ करके उसका फ़ायदा ले रहे हैं और मेरा नज़रिया वही है कि भाई जितना मैं कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सीखने की इच्छा है तो जहाँ तक मैं कुछ उनके तक पहुँचाऊँ कि भाई ये ले लो दिस इज़ द ऑथेंटिक थिंग जो मैंने हमारे गुरु से सीखा है सो तो मुझे खुशी होती है बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया माय गुरुकुल का और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि आप भी अपने मोबाइल पे गुरुकुल ऐप डाउनलोड कीजिए और वी ऑल कैन लर्न म्यूजिक फ्रॉम पंडित जी तो uh, और मैं, बस, है. So, बहुत for it's, it's मतलब शुरुआत तो हुआ था बसुरी से है लेकिन हा हा मैंने बोला कि ये सिर्फ बांसुरी क्यों अभी सब कुछ ऐड करते जाए पूरा आपने सबको एक साथ और भी लिया है और भी हम कुछ इंस्ट्रूमेंट एड अच्छा, करने, 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 करने वाले हैं और okay. नया कोर्सेस लेके डिग्री कोर्सेस जैसे अच्छा। तो डिप्लोमा कोर्सेस तो है ही नाउ वेरी सुन वी आर गोइंग टू लॉन्च डिग्री कोर्सेस इन माय गुरु को लैब सो डू डाउनलोड माय गुरु को लैब इट इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड आईओएस बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी तो विवेक जी हमने अभी तक सब म्यूजिक से रिलेटेड बात की है जी जी तो अब मैं थोड़ा आपके पर्सनल निजी जीवन जी 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 में थोड़ा झांकना चाहती हूँ तो आई नो बिल्कुल बिल्कुल तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आप आपने तो आपका जीवन जैसे म्यूजिक के लिए समर्पित किया है पूरी तरह से जी पूरा समर्पण म्यूजिक के प्रति बांसुरी के प्रति और वही है। रहेगा पूरे लाइफ बस उसी के लिए तो ये सब होते हुए आपकी जो फैमिली है तो आपके एब्सेंस में वो कौन सब संभालता है, है, तो. है कविता उनका तो योगदान है ही क्योंकि मैं तो यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ तो पारिवारिक जिम्मेदारी होती है बाद में मेरी जो गुरुकुल प्रतिष्ठान है फिर बहुत सारा जो शुरू करके रखा हुआ है माई गुरुकुल हुआ गुरुकुल प्रतिष्ठान है तो सब संभालने के लिए पूरी टीम तो है ही सब लोग है ही लेकिन आ, वो मेरी पत्नी है तो वो पूरा अच्छी तरह से वो संभाल लेती है मतलब परिवार एज वेल एज म्यूजिक का मेरा जो बाकी का भी है का। सो वो सपोर्ट ना हो तो फिर थोड़ा मुश्किल है तो लेकिन वो सपोर्ट है तो कभी? मेरे लिए वो हाँ। बड़ी बात है और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ तो कविता जी को बहुत बहुत प्रणाम ऐसे ही आप पंडित जी को साथ देते रहे ताकि वो म्यूजिक के लिए और भी नई <laughs> नई बातें लेके आए तो uh, जैसे बोलते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ तो कविता जी आपने ये वंस मोर प्रूव कर दिया है कि बिहाइंड थैंक यू सो मच कविता जी तो uh, विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हमें मौका मिला और हम आशा करते हैं कि हमारी जो ये गुफ्तगु शुरू हुई है ये ऐसे ही जारी रहे आगे भी फ्यूचर में हम और डिस्कशन या इंटरव्यूज लेके आए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें बांसुरी भी सुनाई बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आपसे जो सीखने वाली बात है कि जो एक एटीट्यूड होना चाहिए म्यूजिक एज अ लर्नर

मैं सर्वकाल जिसका बहुत बड़ा योगदान संगीत के बढ़ावे के लिए वो जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा योगदान है और हमारे मित्र हमारे प्रिय श्री हरजीत सिंह जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये इतनी सारी बातें कैसे कर लेते हो मैं उनको भी मतलब पूछना चाहता हूँ कि इतना सारा वो करते रहते मैं देख रहा हूँ अभी ये पेंडेमिक में इतना सारा कुछ हाँ। हो रहा था ये सब तो इतना सारा म्यूजिक के लिए वो करते हैं तो आप आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और वैशाली जी आपको फिर से धन्यवाद यस ऑन बिहाफ ऑफ द सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी आई वुड लाइक टू थैंक एवरी लिसनिंग टू पंडित जी एंड इट हैज बीन अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस थैंक यू सो मच